आप देख रहे हैं नॉर्थ इंड न्यूज और मैं हूं सिमरन राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। आतंकी संगठनों को फंडिंग दे रहे कई लोगों के खिलाफ आज एक बार फिर एनआईए की विभिन्न टीमों ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई जिलों में एक साथ ही छापेमारी। एनआईए की टीम को छापेमारी के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके साथ मिली जानकारी के अनुसार टेरर मामले में एनआईए को अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले जिसे कहा जा सकता है कि यह ट्रस्ट भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक तौर पर आतंकी संगठनों की मदद कर रहा था। एनआईए ने ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की। ये छापेमारी जम्मू संभाग में जिला राजौरी, पुंछ जम्मू के अलावा कश्मीर संभाग में श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, शोपियां और बांडीपुरा में की गई। जम्मू से कश्मीर तक एनआईए की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केंद्र ने राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अदालत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत रिजर्व कैटेगरी श्रेणी के कर्मचारियों ने जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर किया प्रदर्शन। जम्मू में ट्रांसफर किए जाने की मांग को जोर शोर से उठाते हुए रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज ने बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य वाले आदेश का किया विरोध। उन्होंने कहा कि घाटी में टारगेट किलिंग के बाद बने हालातों के चलते वह जम्मू में तबादले की मांग कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कर्मचारियों ने कहा कि हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा ने उनकी मांग को सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा दिया था, लेकिन मांग को नहीं सुना गया और इसके विपरीत बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया गया। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो है, ये आज लगभग 130 दिन से ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने शुरू से, जब से वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई, हमें वहाँ पे कंपेल किया गया, ऐसी सिचुएशन वहाँ बनी, अंडर कंपल्शन हमें वहाँ से आना पड़ा और हमने गवर्नमेंट्स ऑफ जो हमारी जेएंडके की गवर्नमेंट है उनसे एक ही डिमांड रखी है कि हमें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए। शुरू से हमने यही डिमांड रखी है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने डिमांड को पूरा नहीं किया है। हम बार बार एलजी साहब से और आला जो हमारे अधिकारी हैं सबसे यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो है ये जेन्युइन डिमांड है, डिजर्विंग डिमांड है, इसको हमें इस पे गौर फरमाया जाए और इसको जल्द से जल्द हमें जो हमारी डिमांड है इसको फुलफिल किया जाए। दूसरा इशू जो अभी नया इशू गवर्नमेंट ने राइज किया है, ये बायोमेट्रिक का है। तो मेरा इसमें ये मानना कि हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जब तक वहाँ पे टारगेट किलिंग, कश्मीर में टारगेट किलिंग बंद नहीं होती है, तब तक जो बायोमेट्रिक है इसको ऑल जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज जितने भी हैं उन पे ये लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ पे टारगेट किलिंग बंद नहीं होती है तब तक कैसे वहाँ पे बायोमेट्रिक जो है वो लागू कर सकते। तो हम इस टाइम पे उनसे यही अपील करते हैं एलजी साहब से कि जो भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है ये हमारे एम्प्लॉयज पे लागू ना किया जाए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक गांव सैफाई में अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सफाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। 1.5 लाख से ज्यादा लोग नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए उतावले दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सफाई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत की खबर सुनकर कानपुर में मजदूर ने की आत्महत्या, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर सहित शहरी क्षेत्रों में स्थापित डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर अब बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय मिलेंगे। इस नई व्यवस्था से बियर और रेडी टू ड्रिंक के कारोबार में कई गुना वृद्धि होगी।
उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में शहरी क्षेत्रों में बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। परिषद ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस JKEL-2A प्रदान करने की मंजूरी दी। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।